1988 में प्रसारित हुई महाभारत के बीच पितामह और 1993 में प्रसारित हुआ शक्तिमान तो आपको याद ही होंगे। याद भी क्यों ना हो, ये पात्र आपके चहेते जो बन गए थे। बीच पितामह से आशीर्वाद लेना और शक्तिमान से सुरक्षा मांगना तो हमारा धर्म बन गया था। बीच पितामह के किरदार ने जहाँ बड़ों का सम्मान करना सिखाया, वहीं शक्तिमान के किरदार ने बच्चों को बुराइयों से दूर रहना सिखाया। आज हम बात करेंगे कि कैसे इन किरदारों ने एक कलाकार की जिंदगी को बदल कर रख दिया। ए भाई, अगर हम मर गए और डोंग जिंदा रहा तो हमारे साथ मर जाएगा हिंदुस्तानियों का वो गुरूर, जो हिंदुस्तानी फौजों से वाबस्ता है कि वो सिर्फ अपनी सरहदों की हिफाजत नहीं करती बल्कि सारी दुनिया को दिखला सकती है कि जब जब कोई डोंग जैसा कमीना अपने नापाक इरादों के लिए आतंकवाद की तलवार लेकर हिंदुस्तान में तहलका मचाएगा तो हिंदुस्तानी सिपाही भी उसके मुल्क में जाकर उसके तहलके का जवाब उसी तहलके से देंगे। तो वो मूर्ति की चाल तुम्हारी थी। जरा सी बात है, मेरे करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए और तुम कहते हो कि जरा सी बात है। तुमने रिश्वत देकर हमारे 10 करोड़ का टेंडर कैंसिल करवा दिया। राजेश्वर, कौवे के चोंच मारने से पहाड़ नहीं टूटता। मैंने कोई रिश्वत नहीं दी, तुम बकवास कर रहे हो। देख, तेरी मोहब्बत ने तो 4 कदम में ही दम तोड़ दिया। ये जिंदगी भर का सफर क्या तय करेगा? अरे प्यार करना कोई खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। बंद करो, बहुत हो गया ये तमाशा। उसका नाम बताओ वरना। मैं जानता हूँ तुम जो कोई भी हो, यही कहीं छुपे हुए हो। क्यों इन असहाय लोगों पर अपनी ताकत का नमूना दिखा रहे हो? असली ताकत पर हो तो सामने आओ। नमस्कार, स्वागत है आप सबका लेखक की लेखनी में। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, वीडियो में हम आपको एक खास बात बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुकेश खन्ना की। अभिनय की दुनिया में बड़ा नाम बन चुके मुकेश खन्ना का जन्म 23 जून 1958 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। मुकेश ने अपनी स्नातक की शिक्षा ग्रहण करने के बाद सन 1981 में रूही फिल्म से फिल्मी करियर में कदम रखा। खन्ना ने अपनी शिक्षा भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान से पूरी की थी। इन्होंने जब स्कूली शिक्षा शुरू की थी तब फिल्म अभिनेता नसीरुद्दीन शाह तथा शक्ति कपूर भी उसी विद्यालय में पढ़ते थे जिसमें खन्ना पढ़ाई करते थे। वे फिल्मों के लिए कभी नहीं भागे। मुकेश ने सौगंध, यलगार, सौदागर, तहलका, हिम्मत और बरसात जैसी फिल्मों में काम किया। ये सभी फिल्में सुपरहिट साबित हुई, आदर्श स्थापित किया। इसी कारण से जब उन्होंने शक्तिमान का निर्माण किया तब उन्होंने हर एपिसोड के अंत में बच्चों को बुराइयों से दूर रहने का रास्ता दिखाया। भीष्म के पौराणिक किरदार के बारे में पूछे जाने पर खन्ना ने कहा, यह एक पौराणिक पात्र था और मैंने इसके लिए पूरी मेहनत की। भीष्म के जीवन से बहुत कुछ मैंने सीखा। मैं कोशिश करता हूं कि अपने सांस्कृतिक मूल्यों के साथ हमेशा बना रहूं। टेलीविजन धारावाहिकों की मशहूर निर्माता एकता कपूर ने कहानी महाभारत की नामक अपने कार्यक्रम में खन्ना को शांतनु का किरदार निभाने का प्रस्ताव दिया था जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। एकता के प्रस्ताव के बारे में खन्ना ने कहा, मुझे शांतनु का किरदार निभाने के लिए कहा गया था लेकिन मैंने मना कर दिया। फिर मुझसे एकता कपूर ने भीष्म का किरदार निभाने के लिए कहा, फिर भी मैं तैयार नहीं हुआ। मेरा मानना है कि महाभारत को फिर से नहीं बनाया जा सकता। मुकेश खन्ना वो नाम है जो भीष्म पितामह जैसा कर्मठ रोल निभाकर सभी की वाहवाही लूटी, वहीं सुपर हीरो बनकर घर घर में बच्चों की जुबा पर शक्तिमान के नाम से छा गए। मैं जानता हूं तुम जो कोई भी हो, यही कहीं छुपे हुए हो। क्यों इन असहाय लोगों पर अपनी ताकत का नमूना दिखा रहे हो? असली ताकत पर हो तो सामने आओ। मुकेश खन्ना का करियर भले ही इन दोनों किरदारों के इर्द गिर्द ही घूमता हो मगर मुकेश खन्ना का जिक्र उनके थिएटर और बॉलीवुड के काम के बिना अधूरा है। नेगेटिव सेट का रोल हो या फिर उम्रदराज शख्स का, मुकेश ने हर किरदार को चुनौतीपूर्ण तरीके से प्ले किया। साथ ही लोगों के इस भ्रम को भी तोड़ा कि वे अमिताभ बच्चन की कॉपी करते हैं। मुकेश खन्ना बच्चों के भविष्य को लेकर खासे चिंतित रहते हैं।
उन्हें इस बात की शिकायत है कि फिल्में सीरियल्स तो बहुत बनते हैं लेकिन बच्चों के लिए कोई कुछ सीरियल या फिल्म नहीं बनाता जिससे उन्हें प्रेरणा मिल सके। इसलिए उन्होंने 1997 में शक्तिमान सीरियल का निर्माण किया। भले ही पिछले कुछ समय से वे फिल्मों में ज़्यादा सक्रिय ना रहे हों मगर वे अब फिर से वर्ष 2020 में शक्तिमान को एनिमेशन सीरीज के रूप में वापस लाए हैं। मुकेश हमेशा से अपने YouTube चैनल भीष्म इंटरनेशनल के माध्यम से राजनीतिक एवं सामाजिक विचार बेबाक रूप से अक्सर के सामने रखते आए हैं। देश के बच्चों के संस्कार एवं उनके भविष्य को लेकर उन्होंने हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद की है। इसी वजह से बेहतरीन कलाकार होने के बावजूद उन्होंने माया नगरी से दूरी बनाई। उनकी आने वाली एनिमेटेड शक्तिमान के लिए शुभकामनाएं। एनिमेटेड शक्तिमान फिर से अपने कीर्तिमान स्थापित करे और बच्चों के भविष्य में सहायक हो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।